काफी ज्यादा पढ़े काफी हैं, ज्यादा पढ़ा है पढ़ा वो, है। जी हाँ सोचने की बात है बिल्कुल ना, हाँ इंजीनियर राशिद जैसे जी लोगों के लिए नहीं नहीं पढ़ा है पढ़ा है वो। बिल्कुल, बीजेपी को लोग पावर में नहीं आ देना चाहते ये कश्मीर के दिल्ली लिए। सेंट्रिक जी मीडिया जो जी है उसको ऐसा लगता है कि जी इंजीनियर हाँ राशिद चीफ ने उसको हरा दिया, तो बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल। इंजीनियर राशिद इज अ किंग मेकर। देखिए जी उमर अब्दुल्ला अगर दोनों सीटों वो से आगे बारामूला चल रहे का हैं आप इलाका देखेंगे तो इंजीनियर राशिद के बारामूला के उस इलाके के जी आसपास उनको उम्मीदें थी कि कम से कम 5 से 10 सीटें जी आएगी। शायद मुझे लगता है इसी बिना पर एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो नेशनल राजनीति है और जो स्टेट राजनीति है उसमें अंतर होता है, वो जहां भी चुनाव हो किसी भी स्टेट में चुनाव हो तो उसमें अंतर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति जम्मू कश्मीर की अभी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, इस स्थिति में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे एनसी 35 सीटों पर आगे आगे और कांग्रेस 9 सीटों पर, तो ये स्थिति में सरकार बनाते हुए सरकार बनाने की तरफ? मुझे ऐसा लगता है कि एनसी अपने ही दम पर कहीं 45 सीटें ना ले जाए, 35 सीटें उनकी अभी आगे दिखाई दे रही है, उसके बाद कांग्रेस की 10 सीटें हैं और तो बहुमत तो वैसे ही हो गया उनका। हो गया, और अगर कल जो इशारा दे रहे थे फारूक अब्दुल्ला की भैया अगर पीडीपी आ जाएगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, पीडीपी की तरफ से भी थोड़े पीडीपी भी आएगी, पीडीपी भी आ सकती है, कोई बड़ी हाँ। बात नहीं है। क्योंकि एक बार हमने देखा था 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मैं बात बताऊं आपको कि जब कांग्रेस पार्टी की पहले समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों कांग्रेस से अलग थे, लेकिन जैसे ही सरकार बन गई तो दोनों ने अपनी अपनी चिट्ठी दे दी कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं। हम बहुत दूर क्यों जाएं, अभी तो चुनावों से पहले ये सब साथ थे ना, इंडिया गठबंधन में सब साथ थे, और अभी आपका समझौता नहीं हो पाया सीटों को लेकर तो आप अलग। देखिए इंडिया गठबंधन जो बना था वो केंद्र के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, राज्य के अंदर सरकार में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए इंडिया गठबंधन एक साथ हो सकता है, लेकिन यदि उन्हीं की पार्टियों में सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन कुछ नहीं करेगा। उनका सबसे पहला उद्देश्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। अब देखिए हरियाणा की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए ये हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है ये महत्वपूर्ण राजनीति परिदृश्य के राजनीतिक जो हालात है सेंटर के उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, उस पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा। रोहन बिल्कुल ज्योति, आप देख लें आप भी हरियाणा से ही आती है और हरियाणा की राजनीति को काफी करीब से आप देखती भी है समझती भी है। आप देख लें कांग्रेस इस तरह से 64 का आंकड़ा अभी पार करती हुई दिख रही है, तो अपने आप में पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं कांग्रेस की राहुल गांधी की आंधी चली है। 46 का जादू जी, ये अब देखना होगा, इस पर विश्लेषण करना होगा कि ये राहुल गांधी की आंधी है या बीजेपी की जो नीतियां इसके पीछे जिम्मेदार है, 10 साल का एंटी इंकमेंसी फैक्टर इसके पीछे जिम्मेदार है या फिर हुड्डा बंधुओं ने जो काम किया। मतलब थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि एंटी इंकमेंसी वाली बात जो है वो आपके गुजरात में क्यों नहीं फिट होती है, एंटी इंकमेंसी वाली बात मध्य प्रदेश के अंदर फिट क्यों नहीं होती है, एंटी इंकमेंसी वाली बात उत्तराखंड में क्यों नहीं फिट होती है, लंबे समय तक बीजेपी लोकसभा में भी सारी सीटें समेट लेती है हाँ। और विधानसभा में तो सारी सीटें समेट लेती है। ये जो सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आप जाते हुए देख रहे हैं 63 सीटें, आप ये मान के चलिए इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? हरियाणा का चुनाव जो था वो मुद्दों का चुनाव था हाँ। हरियाणा जनता ने लड़ा, बिल्कुल जनता ने ये चुनाव लड़ा, जो 3-4 मुद्दे थे किसानी के, बेरोजगारी के, नौजवान के, ये जो मुद्दे थे इसी पर जो है वहां की जनता ने वोट किया है और ये मुद्दों पर ही जनता ने वहां जो है सरकार को पलटने का काम किया है। आप मध्य प्रदेश के अंदर इन मुद्दों को लेकर के जाइए हाँ। आप गुजरात के अंदर ये मुद्दे लेकर के जाइए, वहां पर दूसरी तरफ ये मुद्दे पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का पीछे चल रहा है, दुष्यंत चौटाला वो व्यक्ति है जिनकी 2019 में 10 सीटें आई थी और उन 10 सीटों के बाद दुष्यंत चौटाला की एक आंधी थी, बीजेपी से उन्होंने टाई अप किया, उसके बाद में अभी चुनावों से ठीक पहले जो समर्थन वापसी हुई और ये जो स्थिति बनी, ये दुष्यंत चौटाला जो पीछे चल रहे हैं उसके पीछे आप क्या? देखिए खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का, 10 से 0 हाँ, पे आ रहे हैं, 10 से 0 पर आ गए हैं और एक तरह से देख लीजिए 0 से 10 पे भी पहुंचे थे पिछली बार चमत्कार से हाँ। जी पिछली बार तो पहुंचे, अगर वो जनता बता देती है 0 से 10 पे पहुंचे थे सीधा डिप्टी सीएम बन गए हाँ। लेकिन नवीन इस बार बीजेपी की स्ट्रैटेजी का शिकार हो गए हैं जेजेपी, ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी के तहत जेडीपी से सॉरी टू से बीजेपी ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हरियाणा के लिए, बीजेपी ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बीजेपी ने ये गेम जो है सीधी छोड़ दी है जनता के हाथ में। बीजेपी आप बताइए नरेंद्र मोदी के कौन से भाषण थे वहां पर जो है जिसमें उन्होंने दावा किया? ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, पीएम मोदी ने रैली, मैं आपको बताऊं मोदी ने रैली की है, योगी ने भी रैली की है, जो माफ कीजिएगा जो भाषण मध्य प्रदेश और गुजरात में दिए जाते हैं ठीक है वैसे ही भाषण जनता को मतलब हिंदू सेंट्रिक वोटों को जो है उग्र करने के लिए
उन्हें उकसाने के लिए वैसे भाषण यहाँ भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता में और मध्य प्रदेश और गुजरात की जनता में थोड़ा फर्क है। आदित्य सुरजेवाला पीछे चल रहे हैं, ये रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, 25 साल के हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, ये लड़ना चुनाव चाहते थे रणदीप सुरजेवाला, इनको टिकट नहीं दिया क्योंकि राज्यसभा सांसद है, अब इनको यहाँ से दिग्विजय चौटाला भी पीछे चल रहे हैं। सीट रणदीप सुरजेवाला जो की खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और कई मौके पर उन्होंने किया, अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे जी, अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सलजा, तमाम लोग सीएम की कुर्सी के दावेदार माने जा रहे थे, कैंडिडेट माने जा रहे थे और दावा भी ठोक रहे थे, लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात ज्योति ये हो जाती है कि भूपेंद्र, यहाँ हरियाणा की बात करते हैं, राहुल गांधी का करिश्मा देखने को मिला है और भूपेंद्र हुड्डा हुड्डा बेटे और बाप की जोड़ी जिस तरह से उन्होंने काम किया है हरियाणा में, चाहे क्रेडिट लेने की कोशिश कोई भी कर ले, चाहे रणदीप सुरजेवाला कर ले या कुमारी सलजा कर ले, मेहनत जिसने की है क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। और कांग्रेस जिस तरह से अब जीतती हुई दिख रही है, 64 सीटें पार कर गई है, मुझे लगता है 70 सीटें जाते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी जिस तरह से, तो क्रेडिट लेने की जो कोशिश की जा रही है, सीएम की कुर्सी पर जो दावा थोका जा रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से गलत है। और आदित्य सुरजेवाला जिस तरह से पीछे चलते दिख रहे हैं, अपने आप में संकेत मिलता है। आदित्य सुरजेवाला का पीछे चलना रणदीप सुरजेवाला के लिए क्या संकेत जा रहा है? उनके पिताजी भी चुनाव में हार गए थे वहाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, क्योंकि जी सुरजेवाला जो है उन्हें जमीनी नेता नहीं माना जाता है, वो एक रणनीतिकार हो सकते हैं, वो गांधी परिवार के करीबी हो सकते हैं। और कैथल सीट से पहली बात हुड्डा साहब ने भी पूरी कोशिश की है कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं या उनके जो कैंडिडेट हैं वो किसी ना किसी तरह से पीछे ही रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। शैलजा गुट के जो नेता हैं वो अपने चुनाव जो है अपने तरीके से लड़के आगे बढ़े हैं, और चुनाव जो है शैलजा से इतना खतरा हुड्डा को नहीं है जितना सुरजेवाला से, सुरजेवाला उन्हीं की बिरादरी के। नवीन आप ये भी देख लेना, कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सलजा ने खुद को चुनावी जो अभियान था कांग्रेस का, चुनावी कैंपेन जो था हरियाणा में, उससे भी काफी दूरियां बना ली थी दोनों, देखिए डेंट किया था कुमारी सलजा दो हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकली प्रचार करने के लिए, अब जब वो घर से बाहर नहीं निकली तो ये एक मैसेज गया जनता के अंदर और ये डेंट पहुंचाने वाला काम था। बेशक आप नजदीकी होंगे गांधी परिवार के नवीन जी, लेकिन आपने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ये आलाकमान मानता होगा, समझता होगा। और ज्योति नवीन एक बात यहाँ पर, एक और डेंट पहुंचाने की जो कोशिश हो रही थी शैलजा गुट की तरफ से, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान ने बहुत चालाकी से इसको हैंडल किया है, बहुत चालाकी से हैंडल किया है। और वो चालाकी ये थी कि इनके खाते में अधिक टिकटें दी ही नहीं गई, 5 से 7 टिकटें महज दी गई और भूपेंद्र हुड्डा गुट को 70 से 75 टिकटें मिली। हमेशा से ही वहाँ पर जब से भूपेंद्र हुड्डा वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र हुड्डा भी वहाँ की राजनीति में सेंट्रिक नेता नहीं थे, भजनलाल जी के जाने के बाद में भूपेंद्र हुड्डा को कैसे कमान मिली थी उस टाइम केंद्र में, कांग्रेस की सरकार का वो दौर था जब 67 सीटें कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब केंद्र की सरकार मजबूत होती है, केंद्र में आपका आलाकमान मजबूत होता है, तो वो कोई भी निर्णय किसी भी नेता को कुछ भी बना सकता है, जैसा कि हमने देखा होगा बीजेपी इस वक्त भजनलाल जी से लेकर के यादव साहब मुख्यमंत्री जो है यहाँ बने मध्य प्रदेश के अंदर, तो ऐसे निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भी लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। अब देखिए सवाल ये है कि 2005 का जब जिक्र कर रहे हैं, उस समय 67 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, चेहरा था भजनलाल का, और उस वक्त जब चेहरा भजनलाल का था तो बना दिया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, अब क्या ऐसा होता हुआ यहाँ पर इस स्थिति में आप देखेंगे या हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए इस वक्त क्योंकि वो वाली कांग्रेस पार्टी इस वक्त केंद्र में नहीं है, केंद्र आलाकमान का फैसला जब ज्यादा मजबूती से माना जाता है जब केंद्र में उसके पास पावर हो, अगर आलाकमान खुद केंद्र में कमजोर है, कई राज्यों में उसकी सरकार नहीं है, तो फिर वहां पर स्टेट के जो लीडरशिप होती है वो ज्यादा मजबूत हो जाती है, एमएलए को बचाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कई जगह कांटे की टक्कर के अंदर कांग्रेस पार्टी के हाथ से सरकार को खींच के ले गई बीजेपी, कई राज्यों के अंदर हमने ऐसी चीज देखी, गुटबाजी के चलते जो है वहां आदित्य सुरजेवाला आगे हो गए, ये खबर आ रही है आदित्य सुरजेवाला आगे हो गए, मुफ्ती है महबूबा मुफ्ती की बेटी वो भी आगे चल रही है, सुरेश रैना और रविंदर रैना आगे चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर से और बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, और यहाँ से वो 2014 का जब चुनाव हुआ था तब भी वो आगे हुए थे, तो ये कुल मिलाकर के जो इलाहाबाद की सीट है अभय चौटाला यहाँ से पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है अभय चौटाला का पीछे चलना, चौटाला परिवार मेरे परसों किसी से बात हो रही थी तो ऐसी एक विश्लेषण में मैं बैठा था, तो उसमें किसी व्यक्ति ने, किसी साथी ने कहा कि चौटाला परिवार का फैक्टर, तो मैंने उन्हें ये बात कही कि ये चौटाला परिवार चौधरी देवीलाल की राजनीति के अंदर आखिरी कील साबित हो गई है।
उनकी राजनीतिक ताबूत और वो स्प्लिट होने के बाद तो और भी ज्यादा, स्प्लिट हो चाहे नहीं हो, अब दोनों एक भी हो जाए तो भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि अब जो है जनता वहां की जान चुकी है कि परिवारवाद, इन्होंने अपने परिवार को ही पाला है, उसको ही बढ़ाया है, उसी में टिकट बांटे हैं, उसी के अंदर विधायकी, उसी के अंदर सब मंत्री, उसी के अंदर सारे विभाग, तो इसलिए अब हरियाणा की जनता। अच्छा, वो दौर अलग था जब हमने वो दौर देखा है कि ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक उस समय भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, उसी बिना पर वो गए, कांग्रेस पार्टी का आगमन हुआ। वो तो गर्व मानते हैं इस बात को कि मैंने अपने जिले के इतने लोगों को नौकरी लगवाई इसलिए मुझे जेल हुआ है, वो इस बात को गर्व से कहते हैं। घोटाले में वो, जी हां, उन्होंने कहा मैंने अपने जेल में, वो रैली से खड़े होके बोल देते थे कि इस बार तुम्हारे जिले से इतनी भर्ती होनी है। तो वो पैसा भी जाता था, वो पैसा जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो तो साफ कह रहे हैं इस बात को, जब उन्हें सजा, वो एक वसूली वाला दौर अलग था। उन्होंने कहा मेरे जिले के नौजवान, मेरा क्षेत्र है, मेरे को वहाँ के लिए काम करना है, तो मैंने उनको नौकरी लगाया। तो देखिए अभय सिंह चौटाला आगे हो गए INLD के, अभय सिंह चौटाला आगे हो गए, अनिल विज भी आगे हो गए हैं फिलहाल, पीछे चल रहे थे थोड़ी देर पहले। अनिल विज भी काफी नाराज रहे हैं। अनिल विज हालांकि उन नेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को हरियाणा में मजबूत, वो वक्त भी याद कीजिए जब इनेलो और कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी का उतना मजबूत। कैप्टन अभिमन्यू, अनिल विज, तीन चार ही नेता होते थे उस समय, हाँ। जब ये INLD के साथ अलायंस में होते थे, ठीक है, उनमें कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पलवल से, हाँ। तो और राविंद्र जीत सिंह उस टाइम कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे, हाँ। कई ऐसे जो है छोटे नेता, मतलब ऐसे नेता थे ये लोग जिन्होंने बीजेपी को वहां पर शुरुआत में खड़ा करने का काम किया हो, लेकिन बीजेपी को सरकार में लाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को ही जाता है। वो नरेंद्र मोदी की हवा की वजह से ही, आत्मविश्वास पर ही उन्होंने फुल फ्लैश्ड वहां पर सिंगल हैंडेडली चुनाव लड़ा 14 में। तभी तो फिर आप मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं, आपके यहाँ पर चर्चा भी नहीं होती, कहा ना आपसे भी नहीं होता, मैंने आपसे कहा कि केंद्र जब मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट, केंद्र में अगर आप मजबूती से हैं तो फिर आप स्टेट में, हाँ, तो फिर आपका फैसला मजबूती से आप लेकिन इसमें कोई दुराई। लेकिन ज्योति, जहां तक बात यहां नरेंद्र मोदी की करिश्मा की हो, उसकी भी एक हवा गई, भाई सीटें वहां पे कम हुई हैं, क्योंकि ये प्रभाव पड़ता है। आप देखिए इसी साल ही चुनाव हुए हैं केंद्र के, और उसका असर भी दिखता है, और वो असर दिख रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सीटें कम हुई, और वो आप ये मानिए कि ये बीजेपी के लिए सोच विचार करने का समय है कि अब उनकी जो राजनीतिक जो पीक थी वो उत्तरायण की तरफ है। आप ये देखिए कि सरकार तो उनकी बस चल रही है TDP और नीतीश की बदौलत, लेकिन जहां जहां बीजेपी है, मैं दो राज्यों की बात नहीं करूंगा इसमें, मध्य प्रदेश और गुजरात, क्योंकि वहां के जो है, माफ कीजिएगा, माफी के साथ रोक रही हूँ, सावित्री जिंदल पीछे हो गई है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, सावित्री जिंदल कांग्रेस पार्टी में थी, फिर उनके बेटे ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, तो सावित्री जिंदल का पीछे होना, आपके पास धन बल सब है, लेकिन यहाँ आप पीछे चल रहे हैं, सावित्री जिंदल की सीट को आप कैसे देख रहे हैं? आप कांग्रेस में बड़े लंबे समय तक रहे, आपके बेटे सांसद, आप विधायक, उसके बाद आपका अपना इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फिर आप समय के साथ बदले, फिर आप बीजेपी में आए, बीजेपी में आकर आपके बेटे बीजेपी से विधायक और सांसद है, आप खुद बीजेपी के टिकट पर जो है विधायक भी बनना है आपको, और फिर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय लड़ेंगे, तो आप लड़ेंगे तो जनता भी तो देख रही है ना सब चीजें, जनता जब देखती है तो जनता ऐसे ही फैसले देती है। ये उदयभान जी आगे चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, पंकज जी, तो ये उदयभान बहुत ही नजदीकी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के, तो उदयभान का आगे चलना और ये जोड़ी कितनी काम कर रहा है। उदयभान वही है जिन्होंने कुमारी शैलजा, जब आपको चुनाव, पिछला चुनाव हुआ था हरियाणा का, तो कुमारी शैलजा की अगुवाई में ही चुनाव लड़ी गई थी, उसमें कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, और हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ जो कोई मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया दोबारा, तो उसके बाद कुमारी शैलजा को हटाया गया, और कुमारी शैलजा को हटाने के बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस अध्यक्ष, और ये चुनाव लड़े, और इनकी जो अभी जो फिलहाल जो बोला जाता है, इनकी जय और वीरू की जोड़ी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी, ठीक है, जय और वीरू की जोड़ी। देखिए होटल बहुत पुराने नेता है उदयभान, इनके पिताजी, आपने कहावत सुनी होगी आया राम गया राम, भारतीय राजनीति में जो कहावत है आया राम गया राम, वो उनके पिताजी के नाम पर है, गयालाल जी, गयालाल जी विधायक होते थे होटल से ही, जहां से ये विधायक है, तो उस टाइम राव बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह के पिता, वो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर हंग असेंबली आई, तो ऐसा लगा कि
कांग्रेस के कुछ विधायक जो है वो टूट करके राव बीरेंद्र सिंह के खेमे में चले गए। तो उसके बाद जब राव बीरेंद्र सिंह करीब 40 या 35 विधायकों को लेकर अलग हुए, कांग्रेस पार्टी की 48 सीटें थी, 35 विधायक लेके वो अलग हो गए, उनमें से ये विधायक भी थे इनके पिताजी, तो सुबह उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि मैं इनके साथ में हूँ। थोड़ी देर बाद शाम तक जब बात आई कि हाँ वीरेंद्र सिंह जी आपको शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री हैं, बनने वाले हैं, क्या है, उन्होंने बताया कि आपके पास तो गयाराम जी भी थे, तो बताया कि गयाराम जी आए और फिर गयाराम जी चले गए, एक ही दिन में उन्होंने 3 बार स्टैंड बदला था। तो वो जो राजनीति में कहावत बने इनके पिताजी के नाम पर, और होडल जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से ये आते हैं, पलबल होडल जो ये पूरी बेल्ट ब्रज पट्टी जो है इस तरफ की, इधर जो है गुजर और दलित अच्छी खासी आबादी में है, दलित समाज से आते हैं, उदयभान का अच्छा कद है वहां पर, निरंतर जीतते हुए आए कैंडिडेट है, और यदि वो आगे चल रहे हैं तो जो है कोई इसमें हैरानी की बात नहीं। अच्छा ये हरियाणा की जरा टैली देख लीजिए, पंकज आप क्या बोलेंगे, ये 65 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 20 पर बीजेपी आगे चल रही है और अभी भी गिनती हो रही है, INLD 2 पर, अब जज्बा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अदर्स के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये टैली जो बीजेपी को 20 है, बीजेपी ने भी शायद 20 की उम्मीद नहीं की होगी, अभी ये टैली बदल भी सकती है, कांग्रेस ऊपर भी जा सकती है, बीजेपी और पीछे भी आ सकती है, ये टैली सुधर भी सकती है, अभी की टैली के हिसाब से आप क्या देखिए, अभी की टैली से ये लगभग हरियाणा चुनाव का जब से मोमेंटम बन रहा था लोकसभा चुनाव के बाद ही ये तय हो गया था हरियाणा में, और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी जो उनकी सरकार अब हरियाणा से जाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने जो मनोहर लाल को उन्होंने हटा के और सैनी साहब को सीएम बनाया था। बीजेपी ने स्लॉग ओवर में आप कह सकते हैं जो बीजेपी ने उस मैच जीतने की कोशिश की, लेकिन ये उस समय हुआ जब क्रिकेट की भाषा में बोले तो उनका मतलब अंतिम जो था जो बल्लेबाज वो मैदान पे था, तो बीजेपी ने सैनी साहब को टिकट देके उसको भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल साबित नहीं हुआ और ये उसी समय तय हुआ। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं जब हम बात करते हैं 2014 की, तो 2014 के बाद जो केंद्र में मोदी की सरकार बनी उसके बाद जो हरियाणा में चुनाव हुए उसमें मोदी ने आपको 7 ये किया था रैली किया था, उसके बाद 2000 आपको जो 19 में हुआ था 19 में मोदी ने 11 रैली किया था पीएम मोदी ने, और इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 4 रैलियां की। तो इससे साफ संदेश था जो हरियाणा में इनको जो जनादेश बीजेपी के खिलाफ जा रही है, और हरियाणा का इतिहास भी यही कहता है जो हरियाणा में जो आपका चुनाव का जो समीकरण होता है वो लगातार हरियाणा के इतिहास में 58 साल के इतिहास में या 5 दशक के इतिहास में आप कहें तो मात्र 3 बार ऐसा हुआ जो कोई मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया, और हैट्रिक कोई अभी तक नहीं बन पाया है, तो हैट्रिक हरियाणा की जनता ने उसको ये किया। और हरियाणा में जो इस बार मुद्दे थे वो एक ऐसे मुद्दे थे, इस मुद्दे पे अगर मुद्दे पे मैं आप दोनों से बहुत डिटेल में बात करूंगी। अभी की टैली नवीन, आप अभी की टैली को देख के क्या सोच रहे हैं, 63 पर कांग्रेस पार्टी, 24 पर बीजेपी। देखिए ये मैंडेट जो था इसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले से थी, कांग्रेस पार्टी ये मान करके चल रही थी कि ये चुनाव उनके लिए जो है जीवन मरण का चुनाव है। यदि हरियाणा जिन मुद्दों को उन्होंने पूरे देश में लेके गए, नौजवान के, रोजगार के, किसान के, ये 3 मुद्दे पूरे देश में लेके गए, वो ऐसा नहीं है कि केरल में तमिलनाडु में इन मुद्दों को नहीं उठाया कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र में उठाया, मध्य प्रदेश के अंदर भी उठाया इन्हीं मुद्दों को लेकर के। लेकिन मध्य प्रदेश और राज्यों की हम बात करें तो वहां की राजनीति धर्म की राजनीति के नीचे आकर के दब गई, वहां मुद्दों की राजनीति से पहले धर्म आ गया, इस वजह से वहां पर ये मुद्दे नहीं चल पाए। लेकिन जहां के लोग जो हैं वो पूरा का पूरा जो है नौकरी पेशा है, किसानी पर उनकी आजीविका निर्भर है, तो उनके लिए ये मुद्दे बड़े हैं। हरियाणा की जनता इन 3 मुद्दों के लिए जो है हमेशा तैयार रहती है, ये 3 मुद्दे उनके परिवार से जुड़े हैं, उनके घर से जुड़े हैं, रोजगार, जवान, किसान, पहलवान का जिक्र तो अपनी रैलियों में किया जा रहा था और साथ ही संविधान का जिक्र भी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ये मुद्दे आपने कहा। लेकिन ऐसी स्थिति में, इस परिदृश्य में, इस टैली के साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए कांग्रेस की तरफ से अभी प्रबल दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही माने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी जानकारी आ रही है सामने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रनिंग बैटन अपने बेटे को देंगे। नहीं मैं आपको काटूंगा। देखिए
ये जो पूरा चुनाव है, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ये राहुल गांधी अगर केंद्रीय नेतृत्व में है तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, मैं ये जो नवीन सर बोल रहे हैं, नवीन सर ये बोल रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को भी बेटे को उन्होंने कहा बैटन दे सकते हैं, बैटन दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये मुमकिन होते, मैं सर से इसलिए डिफर कर रहा हूँ, जो मुझे ये मुमकिन होता होता नहीं देखा, एज उनके उसमें आ जाएगी 70 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप जितने भी बयान है उसे देखिए, जो मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है, और इसका मैं आपके राजनीतिक मैं विश्लेषण में इसका मैं समझाता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं सर से क्यों डेफर कर रहा हूँ, मेरा ये रीजन है, जो देखिए दावेदार कौन अभी है, सेल कुमारी सेलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा, यही तीन ना, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं तो अभी हरियाणा की राजनीति में ये तीन लीड करेंगे जो प्रमुख चेहरे हैं वहां। दिक्कत यह है जो केंद्र की राजनीति में कांग्रेस अभी किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहती है, अगर यहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप मुख्यमंत्री पद देते हैं तो उसका मतलब है जो उनको लोकसभा सीट से त्याग पत्र देना पड़ेगा, सॉरी नहीं लोकसभा से है वो, लोकसभा से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला से अगर होता है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा से रिजाइन करना पड़ेगा, कुमारी सेलजा को लोकसभा से रिजाइन करना पड़ेगा, तो कांग्रेस इस स्थिति में अभी नहीं है जो इतना बड़ा वो फैसला करे इसमें। और तीसरी बात ये है जो अगर कांग्रेस को क्या है अभी अपनी मजबूती दिखाना है, अभी चूंकि उनको लग रहा है कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है देश भर में, तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बदले अगर किसी और को मान लीजिए रणदीप सिंह को बनाते हैं तो ये दीपेंद्र हुड्डा को बनाते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा के बनाने के बाद जो इसमें और जो घटक हैं जो हैं तो उसमें पार्टी को एकजुट रखने में इनको दिक्कत आएगी, तो इसलिए इनका यह है जो हरियाणा में। और देखिए आपने जितने फैसले लिए हैं, आपका जो मैनिफेस्टो है, अगर मैनिफेस्टो को आप लागू करने की आप बात करेंगे इस पे, लेकिन नवीन जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि वो आपने कहा कि बैटन देना चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा को और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना बनाने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब अगर आपको लगता है कि वो खुद नहीं बने उसके पीछे का रीजन क्या है? मेरे मानना इसलिए है ऐसा क्योंकि किसी भी पिता के लिए जो राजनीतिक विरासत को सौंपना का एक